हम बात कर रहे हैं इन्फोसेस की। आज के दिन की बात करें तो छोटे मोटे अपसाइड के साथ फिलहाल स्टॉक हमको ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। हम देख सकते हैं इस वक्त स्टॉक जो है 1614 पर फिलहाल हमको ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। 1740 से रिजेक्शन के बाद इन्फोसिस ने हमको लगातार गिरावट दिखाई है, लो और लो पैटर्न बनाते हुए नज़र आ रहा है। 1580 के सपोर्ट से स्टॉक हमको बाउंस बैक होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन अभी यहाँ थोड़ा सा इंतज़ार करना है। स्टॉक को हम एक लेवल को डिस्कस करेंगे, उसके ऊपर ब्रेकआउट करने का इंतज़ार करना है, क्योंकि चार्ट पैटर्न लो और लो देखने के लिए मिल रहा है। जंप तो यहाँ भी देखने के लिए मिला था 1640 से 1710 तक का, लेकिन स्टॉक रिजेक्शन ले गया और गिरावट दिखा गया हमको, तो जंप अगेन यहाँ भी देखने के लिए मिल रहा है 1580 से 1620 तक का, लेकिन स्टॉक रिजेक्शन लेकर इस लो को ब्रेक डाउन कर गया तो और गिरावट हो सकती है दोस्तों, इसलिए थोड़ा सा इंतज़ार करना है। यहाँ से अगर इमीडिएट सपोर्ट की बात करें तो 1600 का इमीडिएट सपोर्ट रहेगा, इसको ब्रेक डाउन कर गया तो नेक्स्ट सपोर्ट 1580, और 1580 के ब्रेक डाउन कर गया तो स्टॉक में फिर हमको 1520 से लेके 1500 तक का भी फॉल देखने के लिए मिल सकता है, इतनी बड़ी भी गिरावट देखने के लिए मिल सकती है। लेकिन 1540-80 के लेवल से जिस तरह से चार्ट पैटर्न बन रहा है, इस अकॉर्डिंग अगर स्टॉक बाउंस बैक होता है तो हमको इंतज़ार करना है। जहाँ से स्टॉक ने रिजेक्शन के बाद लगातार बड़ी सेलिंग दिखाई, हम देख सकते हैं स्टॉक ने जैसे ही रिजेक्शन लिया था लगातार हमको सेलिंग देखने के लिए मिले, रेड कैंडल्स देखने के लिए मिल रहे 1660 का लेवल। इसको ब्रेकआउट करके एक दो दिन ऊपर सस्टेन होने देते, अगर इसको ब्रेकआउट कर गया इस बाउंस बैक के साथ 1660 के लेवल को और ऊपर सस्टेन हो गया एक दो दिन, तो वैसे कंडीशन में इन्फोसिस के ट्रेंड के बदलने का सिग्नल रहेगा। लेकिन जिस तरह से यहाँ देखने के लिए मिला, वही सिनारियो अगर यहाँ देखने के लिए मिलता है और अपने सपोर्ट लेवल को रिसेंट लो को ब्रेक डाउन कर जाता है तो फिर बड़ी गिरावट देखने के लिए मिल सकती है। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो। वीडियो जो एजुकेशन पर्पज़ के लिए, कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं है।